स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आज से आपका स्टार्ट होना था क्या सीरीज मैथ्स और इंग्लिश की, आपको पता होगा टाइमिंग सुबह 9 से 10 के बीच में आपको मिल जाएगा इंग्लिश का सेट और शाम को 8 से 9 के बीच में मिल जाएगा मैथ्स का सेट। तो 25 प्रश्न डेली करते हुए हम 30 दिन में, मतलब 30 दिन में 750 इधर और मैं आपको 800 प्रश्न दोनों के प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज ये पहला सेट है इंग्लिश के, जिसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक जो टेलीग्राम चैनल की है वहां से ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा जिस तरह टीसीएस एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा, सेम पैटर्न पे बेस्ड होगा, जिससे जितने क्वेश्चन आने हैं क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा, वो एकदम सेम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये सेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि दिए गए वर्ड का क्या निकालना है, निकालना नहीं है मतलब क्या ज्ञात करना है, एंटोनिम क्या बताना है, एंटोनिम बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होता है, विपरीत अर्थक यानी कि विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। कहा गया इंटेंशनल शब्द दिया गया है आपको, इंटेंशनल, इंटेंशन आपको पता होगा इंटेंशन मींस क्या होता है, इंटेंशन मींस होता है कोई चीज़ प्लान करना, कोई चीज़ करने का इरादा होना, यानी इरादतन, इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन, यानी इरादा करके या सोच विचार के अगर कुछ किया जाए तो उसको कहते हैं इंटेंशनल। अब सबसे पहले इसके सिनोनिम जान लेते हैं। देखिए, आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा तो आप वैसे भी कर सकते थे, ये वीडियो करवाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको हर वर्ड का सिनोनिम, हर वर्ड में जहाँ पे ग्रामर का मतलब ग्रामर की बात की जाए वहाँ पे मैं ग्रामर डिटेल में आपको समझा पाऊँ और हर वर्ड का कहाँ यूज करना है ये सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो इंटेंशनल मतलब क्या, मैंने बताया आपको कि कोई चीज़ प्लान करके की जाए, यानी इंटेंशनल की अगर सिनोनिम की बात की जाए तो प्री, पहले से प्लान किया जाए, यानी प्री प्लान्ड कोई चीज़ हो तो उसको क्या कहेंगे, इंटेंशनल कहेंगे। ठीक है, या हम कहें कोई चीज़ पर्पज के लिए की जाए, पर्पजफुल अगर हो तो उसको भी क्या कहेंगे, इंटेंशनल, PURPOSEFUL, पर्पजफुल, पर्पजफुल मीन्स क्या होता है, इंटेंशनल। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लेंगे, प्री प्लान, पर्पजफुल। ठीक है, अच्छा, डिलीवरेट आपने पढ़ा होगा, डिलीवरेट, डिलीवरेट मीन्स क्या होता है, इंटेंशनल, यानी डिलीवरेट भी इंटेंशनल का सिनोनिम हो जाएगा, डिलीवरेट मीन्स भी होता है इरादतन, समझ आ गया। अच्छा, अगर बात की जाए कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड तो कैलकुलेटेड मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ प्लान करके करना या कोई चीज़ कैलकुलेट करना, यानी कि किसी चीज़ की प्लानिंग करके कोई काम करना, तो उसको क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड, प्री प्लान्ड, पर्पजफुल, डिलीवरेट। तो आप इंटेंशनल का सिनोनिम जान गए, प्री प्लान्ड, पर्पजफुल, डिलीवरेट और कैलकुलेटेड, और इसका हिंदी क्या होता है, इरादतन, यानी इरादे से किया गया कार्य, इरादे से किया गया कार्य। ठीक है, इरादे से किया गया कार्य, तो आपने देख लिया क्या हो गया, प्री प्लान्ड, पर्पजफुल, डिलीवरेट, कैलकुलेटेड, यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए, इंटेंशनल के सिनोनिम हो गए प्री प्लान्ड, पर्पजफुल, डिलीवरेट, कैलकुलेटेड। आप रिपीट एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, प्री प्लान्ड, पर्पजफुल, डिलीवरेट, कैलकुलेटेड, इंटेंशनल, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यानी कि इसका अर्थ हो गया इरादे से, यानी प्लान करके। तो हमने देखा कि हमसे पूछा गया यहाँ पे अपोजिट यानी कि विपरीत, तो आप एक्सीडेंटल मीन्स क्या होता है, अचानक से कोई चीज़ हो तो इसका मतलब हो गया एक्सीडेंटल, इसका हो गया एंटोनिम। और बाकी सारे वर्ड अगर दिए गए हैं तो उनकी भी मीनिंग जान लेते हैं। तो डिजाइंड मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ निर्माण मतलब डिजाइन की जाए, डिजाइन मतलब आप जानते होंगे, डिजाइन मीन्स हिंदी में भी डिजाइन हम कहते हैं, लेकिन किसी की चीज़ का चित्रण किया जाए या किसी चीज़ को मतलब एक शेप दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिजाइंड। वॉलेंट्री मीन्स होता है सेल्फ से कोई कार्य किया जाए, बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के कोई कार्य किया जाए तो वॉलेंट्री कहा जाता है उसको। और कैलकुलेटेड इसका सिनोनिम हो गया, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में एक सिनोनिम जरूर मिलेगा और एक एंटोनिम। अब एंटोनिम पूछा गया था, अगर आप कन्फ्यूज होते तो आप कैलकुलेटेड भी मार्क कर सकते थे। तो समझ में आ गया, इंटेंशनल मीन्स क्या होता है, इंटेंशनल मीन्स होता है कोई चीज़ प्लान करके किया जाए, और एक्सीडेंटल इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि एक्सीडेंटल मीन्स होता है अचानक से, सडन कोई चीज़ हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में आपसे सिनोनिम पूछा गया है, कहा गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कंटामिनेट, कंटामिनेट देखने से ही लग रहा होगा ये कंटामिनेट थोड़ा कंटाइन टाइप का शब्द है, मींस कि थोड़ा निगेटिव शब्द है। अब देखिए यहाँ पे प्यूरीफाई पॉजिटिव शब्द है, क्लींस पॉजिटिव शब्द है, सैंक्टिफाई पॉजिटिव शब्द, तो आपको एक ही निगेटिव शब्द दिख रहा है, पॉल्यूट, वही इसका सिनोनिम हो जाएगा क्योंकि निगेटिव शब्द ये भी है, निगेटिव शब्द ये भी है, तो निगेटिव शब्द का ही सिनोनिम होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर मान लो आप नहीं पढ़े हैं तब भी। अच्छा, अब इसका जान लेते हैं कि कंटामिनेट होता क्या है। कंटामिनेट मीन्स होता है पॉल्यूट करना किसी चीज़ को, यानी गंदा करना, डर्टी करना,
मेलाइन करना, पॉल्यूट मीन्स क्या होता है गंदा करना। अच्छा पॉल्यूट का एक और सिनोनिम आपने पढ़ा होगा एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट मीन्स क्या होता है किसी चीज़ को गंदा करना, ADULTERATE, एडल्ट्रेट मीन्स क्या होता है किसी चीज़ को गंदा करना। अच्छा डिफाइल भी आपने पढ़ा होगा, डिफाइल, DEFILE, डिफाइल, डिफाइल मीन्स क्या होता है गंदा करना, डिफाइल भी होता है। सली, सली क्या होता है, सली मीन्स भी गंदा करना होता है। तो ये सारे वर्ड आपको SSC में कभी ना कभी दिखाई पड़ जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप करेंगे तो, पॉल्यूट, एडल्ट्रेट, डिफाइल, सली, ये सारे आपके क्या हो गए इसके सिनोनिम हो गए। अच्छा या एक और सिनोनिम ले लेते हैं ब्लाइट, लाइट मतलब क्या होता है, लाइट मतलब होता है किसी चीज़ को उजाली मतलब उज्ज्वलित करना यानी उजाला करना, और ब्लाइट अगर कर देंगे बी लग गया यानी कि उसका अपोजिट लाइट का यानी गंदा कर देना किसी चीज़ को, तो कंटेमिनेट का सिनो क्या हो गया यानी कि समानार्थी क्या हो गया पॉल्यूट। और अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की तो ये आप याद कर लेंगे पॉल्यूट, एडल्ट्रेट, डिफाइल, सली और ब्लाइट। ठीक है पॉल्यूट, एडल्ट्रेट, डिफाइल, सली और ब्लाइट इसके क्या हो गए सिनोनिम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं बाकी सारे शब्द की, तो सैंक्टिफाई मीन्स क्या होता है, सैंक्टिफाई मीन्स होता है किसी चीज़ का पवित्रीकरण या पवित्र होना कोई चीज़, तो होली, होली इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी इसका मतलब होता है पवित्र, तो आप ये लिख लेंगे अगर नहीं आता तो। सैंक्टिफाई मीन्स क्या होता है पवित्र, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मीन्स होता है किसी पवित्र चीज़ को दूषित करना, तो उसी प्रकार सैंक्टी मीन्स क्या होता है होली। इसका एक और सिनो लिख लीजिए कॉन्सेक्रेट, CONSECRATE, कॉन्सेक्रेट मीन्स होता है पवित्र। ठीक है क्लीन्स मीन्स होता है सफाई, क्लीनेस जिसको कहते हैं क्लीनेस कहते नहीं क्लीन हो गया आज ये चीज़, क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा, प्यूरीफाई मीन्स भी शुद्धिकरण होता है, आपको गंदा का बताना था तो गंदे का गंदा ही हो जाएगा। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं, PDF आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पे। कहा गया ध्यान दीजिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कहा गया ये पर्सन हु कैन एंडोर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, यानी कि इसका वन वर्ड आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार पढ़ा होगा, कई बार देखा होगा, ये पर्सन हु इज इनडिफरेंट इन प्लेजर आर पेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको सुख दुख का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़ता हो, यानी सुख में बहुत ज़्यादा खुशी ना हो जाता हो और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाता हो, तो उसको कहते हैं स्टोइक। स्टोइक मीन्स क्या होता है बैरागी, स्टोइक मीन्स क्या होता है बैरागी, स्टोइक मीन्स बैरागी। ठीक है अच्छा अगर हम बात करें एग्नोस्टिक, एसेटिक और पिडेंट मीन्स क्या होता है, तो एग्नोस्टिक अगर पूछा जाए तो एग्नोस्टिक मतलब होता है जो थोड़ा भगवान के मतलब भगवान के ऊपर या प्रकृति नाम की चीज़ के ऊपर वो विश्वास ना करता हो, यानी अनीश्वरवादी हो या किसी चीज़ पे संदेह करता हो, भगवान वगैरह पे संदेह करता हो, उसको क्या कहते हैं एग्नोस्टिक, यानी हम कह सकते हैं इसका हिंदी अर्थ हो गया अनीश्वरवादी, 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 यानी जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो या संशय करता हो। एसेटिक मीन्स होता है तपस्वी, यानी किसी चीज़ की जो तपस्या कर रहा है, एसेटिक मीन्स क्या होता है तपस्वी। ठीक है और पिडेंट मीन्स होता है रूढ़िवादी सोच का, पिडेंट मीन्स रूढ़िवादी। तो हमने देख लिया स्टोइक होता है जो प्लीजर में और पेन में इंडिफरेंट रहता है, यानी बदलता नहीं, उसको सुख दुख का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एग्नोस्टिक मीन्स होता है जो ईश्वर की सत्ता पे विश्वास ना करता हो, अनीश्वरवादी हो। एसेटिक मीन्स तपस्वी, पिडेंट मीन्स रूढ़िवादी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया स्टोइक, यानी जो इंडिफरेंट रहता हो प्लीजर और पेन में। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको बताना है कि जो बोल्ड है यानी जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका बताना है कि करेक्ट क्या होगा, क्या भरा जाना चाहिए। कहा गया आई इंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी, यानी कि मैं डिटेक्टिव मूवी देखना पसंद करता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आप मूवी देखते हैं तो ऐसा थोड़ी कि एक ग्लांस पड़ा, एक नज़र पड़ी, ख़त्म, ये टीवी है इस पर एक नज़र डाली आपने पूरी मूवी देख ली, जो देखने वाली प्रोसेस, ये प्रोसेस होते है। देखना जो मूवी देखना है वो एक प्रोसेस है, और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्रोसेस जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, यानी इसका एक टाइम स्पेन होता है, तो कंटिन्यूअस है, यानी कि आई इंजॉय कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे, यानी आई इंजॉय यानी कि हो गया आई इंजॉय वाचिंग, यानी कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना है, तो आई इंजॉय वाचिंग ये गुड डिटेक्टिव मूवी, यानी कि मैं एक डिटेक्टिव मूवी देखना पसंद करता हूँ, यानी कंटिन्यूअस एक्शन वॉच का तो वॉचिंग हो जाएगा। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया है यहाँ पे भी फिर फिल करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कहा गया ही ऑप्टेन 80% मार्क्स इन साइंस इन हाई स्कूल ही हैज क्वालिफाइड डॉट 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 द साइंस स्ट्रीम इन +2। अच्छा एक चीज़ बताइए,
देखिए, अगर किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करना, अगर किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करना या कोई चीज़ क्वालिफाई करना, जैसे आप क्या कहते हैं कि आई क्वालिफाइड फॉर द फलाना पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट के लिए मैंने क्वालिफाई किया, इट मींस ही जब उसने 80% साइंस में लाए हैं हाई स्कूल में, तो वो किसके लिए क्वालिफाई किया है, यानी किसके लिए, प्लस टू के लिए, यानी 10+2 के लिए साइंस स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई हुई है, और के लिए के सेंस में क्वालिफाइड फॉर का यूज किया जाता है, तो यू हैव क्वालिफाइड फॉर ये पोस्ट इन एसएससी सीजीएल, तो आप कहेंगे कि मतलब क्वालिफाइड के बाद क्या आना चाहिए, फॉर, यानी यू हैव या आई हैव क्वालिफाइड द पोस्ट, आई हैव क्वालिफाइड डॉट 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 द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यानी आई हैव क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यानी क्वालिफाइड फॉर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या आ जाएगा, क्वालिफाई फॉर, समझ में आ गया ना, किसके लिए क्वालिफाई किया, अगर उसके 10वीं में 80% मार्क आ गए साइंस में, तो उसने किसके लिए क्वालिफाई कर लिया, साइंस स्ट्रीम ले सकती है 10+2 में, यानी के लिए, किसके लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया है आवर पीएम, यहाँ पे आपको ईडीएम का मतलब बताना है, कहा गया आवर पीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेयर एवर ही गोज, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं उनका दोनों हाथों से स्वागत किया जाता है, विद ओपन आर्म्स मीन्स क्या होता है, दोनों हाथों से, यानी कि वार्मली, यानी कि बहुत वार्म वेलकम होता है, यानी बहुत क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुल वेलकम होता है, यानी कि विद ओपन आर्म्स ईडीएम का मतलब होता है वार्मली, तो ऐसे याद रखेंगे कि विद ओपन आर्म्स मतलब होता है वार्मली, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि इनकरेक्ट वर्ड छांटना है, तो आपको पता है जंबल, करेक्ट स्पेलिंग जंबल की JUMBLE होता है, जूनियर की स्पेलिंग जूनियर होती है, जोवियल की भी यही होती है, जर्नी की स्पेलिंग क्या होती है, JOURNEY, यहाँ पे N के बाद E नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। अब सबका मतलब भी जान लेते हैं, तो जंबल मीन्स क्या होता है, जंबल मीन्स होता है किसी चीज़ में, जैसे पैरा जंबल, पैरा हड़बड़ी, जंबल मीन्स क्या होता है, हड़बड़ी, यानी पैरा जंबल जो आता है आपके एग्जाम में वो हड़बड़ी के लिए आता है, ठीक है। पैरा जंबल मतलब होता है कि पैराग्राफ में अगर हड़बड़ी हो जाए तो पैरा जंबल, ठीक है, तो जंबल मीन्स होता है हड़बड़ी, या हम कह सकते हैं चाओस, ठीक है, चाओस भी होता है जंबल के लिए, ठीक है, तो जंबल का सीनो क्या होता है, चाओस। जूनियर मींस होता है आपसे जो जूनियर हो, यानी कम पद पे हो या आपसे पीछे क्लास में हो। जर्नी मींस होती है यात्रा, और जोबियल मींस होता है थोड़ा हैप्पी मूड, यानी उल्लासपूर्ण मूड, हैप्पी मूड को क्या कहते हैं, जोबियल, या हम कह सकते हैं लाइवली, इसके दो सीनो हो गए, हैप्पी और लाइवली, जोबियल का हैप्पी और लाइवली सीनो हो गया, कलर्ड भी कह सकते हैं, हैप्पी लाइवली कलर्ड, ये जोबियल के सीनो हो गए। और आपसे करेक्ट पूछा गया था कि कौन सा होगा ऑप्शन में, तो आपका तीसरा ऑप्शन, चूंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है आपको, तो किसका बताना है, सबसिक्वेंट का, सबसिक्वेंट का सिनोनिम, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सबसिक्वेंट मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम सबसिक्वेंट मतलब कहें तो सबसिक्वेंट की हिंदी क्या होती है, आगामी, यानी जो नियर बाय में आने वाला है, आगामी यानी कि जो आने वाला है, ठीक है। अब इसके सिनो की अगर हम बात करें कि इसका सिनोनिम क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट मीन्स भी आगामी होता है, परस्यूएंट मीन्स भी आगामी होता है, परस्यूएंट की स्पेलिंग एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, PURSUANT, परस्यूएंट, परस्यूएंट मीन्स भी आगामी होता है, यील्डिंग मीन्स भी आगामी होता है, ध्यान रखेंगे, यील्डिंग, कॉन्सिक्वेंट, परस्यूएंट और मोर्टेजनेस ये भी होता है, ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है, मोर्टेजनेस, ये सारे मतलब होता है आगामी, मोर्टेजनेस, यील्डिंग, कॉन्सिक्वेंट और परस्यूएंट का मतलब क्या होता है, आगामी। तो कॉन्सिक्वेंट कॉन्जिक्यूटिव यानी कि आगामी हो गया, इसका सिनो ये हो गया। अगर बात करें प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग मीन्स होता है पूर्व, यानी पूर्व वाला, एंटीसीडेंट मीन्स भी पूर्व वाला होता है, और प्रायर मीन्स होता है कि जो आपसे पहले कोई किसी पद पर रह चुका है, यानी कि फॉर्मर कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना प्रायर पीएम या फॉर्मर पीएम, तो प्रायर मीन्स होता है फॉर्मर, एंटीसीडेंट मीन्स भी होता है पूर्वगामी मतलब पुराना, और क्या कहते हैं प्रीसीडिंग मीन्स क्या होता है, प्रीसीडिंग मीन्स भी पुराना वाला होता है मतलब पीछे वाला, और कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है आगामी, कॉन्सिक्वेंट मीन्स आगामी होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स भी आगामी, तो सबसिक्वेंट का सिनो क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनकरेक्ट वर्ड पूछा गया है कि कौन सा होगा, तो रिलायबल एकदम करेक्ट है, RELIABLE रिलायबल होता है, रियल्म एकदम करेक्ट है, रियल्म मीन्स क्या होता है, क्षेत्र या जोन,
क्षेत्र या जोन, जोन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जेड ओ एन ई, ठीक है। अच्छा अगर बात करें कि रिलायबल का सिनो क्या होगा, तो यहाँ से सिनो भी देख लीजिए, रिलायबल का सिनो हो सकता है एसएससी आपकी पूछ ले, तो होता है क्रेडिबल, जिस पे विश्वास किया जा सके, ठीक है। क्रेडिबल या ऑथेंटिक, जो ओरिजिनल बंदा हो उसको कहते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है, जिस पे विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल हो गया, ऑथेंटिक हो गया, इसका मतलब होता है विश्वसनीय। रियल मीन्स क्या होता है, जोन। रिजेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला, रिजेंबल मीन्स क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला, यानी पार्टेक भी कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पार्टेक, PARTAKE, पार्टेक। पार्टेक मीन्स क्या होता है, रिजेंबल, PARTAKE, पार्टेक मीन्स होता है एक जैसा दिखना। और रेडियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, RADIUS, रेडियस मीन्स त्रिज्या होती है, तो रेडियस की स्पेलिंग क्या हो गई, RADIUS, करेक्ट स्पेलिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है आपको, बोल्ड जो मतलब अंडरलाइन पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है। कहा गया, आई कुड नॉट गॉट सम स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली। आई कुड नॉट गॉट सम स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली, यानी कि मैं रात में पर्याप्त नींद नहीं ले पाया क्योंकि अगले रूम के यानी बगल वाले रूम के जो बंदे थे वो क्या तेज तेज बात कर रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, कुड नॉट, कुड नॉट के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कुड नॉट के बाद गॉट दिख रहा है जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो कुड नॉट क्या, गॉट किसका सेकेंड फॉर्म है, गेट का, यानी कि हमारा करेक्ट क्या होगा, कुड नॉट गेट सम स्लीप, नहीं एनी स्लीप, सम मात्रा क्वांटिटेटिव के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे एनी स्लीप होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट गेट एनी स्लीप, एनी क्यों आया, क्योंकि सम क्वांटिटेटिव के लिए होता है और नींद का कोई मात्रा नहीं होती, तो आई कुड नॉट गेट एनी स्लीप, यानी मैं बिल्कुल नहीं सो पाया बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली। तो कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ गॉट की जगह पे गेट आना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है ईडियम जो दिया गया है उसका हिंदी अर्थ बताना है। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है, ऑफ एंड ऑन यानी कि पीरियोडिकली, यानी आवर्ती होना, आवर्ती होने का मतलब होता है, आवर्ती होना मतलब पहले पूरा वाक्य पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। कहा गया, ऑफ एंड ऑन आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माय हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माय सेल्फ, यानी कि ऑफ एंड ऑन मतलब होता है एक नियमित अंतराल पे कह सकते हैं, एक नियमित अंतराल पे। तो ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है एक नियमित अंतराल पे, यानी कि एक समय, निश्चित समय बाद, यानी पीरियोडिकली, पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब क्या होता है कि एक नियमित समय बाद मैं अपने हेक्टिक शेड्यूल यानी बहुत बिजी शेड्यूल यानी बहुत क्या कहते हैं बिजी वाला, हेक्टिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी शेड्यूल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो फंसा हुआ हूँ मैं जिन कामों में, उससे रिफ्रेश होने के लिए मैं पीरियोडिकली यानी कि एक समय बाद क्या लिया, ले लिया करता हूँ ब्रेक। समझ आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा कहा गया है कि एरर फाइंड करना है। कहा गया, इन अबाउट 2 वीक्स आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट, यानी कि 2 हफ्ते में हमारी जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे इन अबाउट कोई एरर नहीं, 2 वीक्स नहीं कोई एरर नहीं, आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट, भविष्य की बात की गई, विल आया, वर्ब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है, यानी कि सब्जेक्ट भी सही, समय भी सही, इन अबाउट 2 वीक्स ये सब्जेक्ट हो गया, आवर सॉरी इन अबाउट 2 वीक्स समय के बारे में बात हो गई, आवर हॉलीडेज सब्जेक्ट बन गया, विल स्टार्ट एकदम करेक्ट है, यानी कि नो एरर यहाँ पे। अब कई बार सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ होती है, जहाँ पे नो एरर होता है हम गलती फाइंड कर देते हैं, हमारी आदत होती है गलती निकालने की, तो हम गलती निकाल के चले आते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए अगला पैसेज आ गया कंप्रेंशन। देखिए कंप्रेंशन में क्या दिया गया है पैसेज, यहाँ फ्रॉम ये फार सेवरल टाइम्स ये खत्म हो गया, आई हैड पास्ट यानी कि मैं यहाँ गया हूँ या गया था, तो आई हैड पास्ट इट आना चाहिए, आई हैड पास्ट इट। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है आई हैड पास्ट देम, देम नहीं, जब एक यहाँ पे मैजिक शॉप की बात हो रही है, मैजिक शॉप के लिए ना दी जाएगा, मैजिक शॉप सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ ईट आएगा, यानी कि ईट ही आएगा, इसके लिए यूज किया जाता, अगर यहाँ कोई आदमी होता तो यहाँ ही आता ना कि दे आता, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदे की बात की गई, मैजिक शॉप की बात की गई, तो मैजिक शॉप चूंकि सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आना चाहिए, ईट, ठीक है। तो यानी कि आपका करेक्ट हो गया ईट, आई हैड सीन द मैजिक शॉप फ्रॉम अफार सेवरल टाइम्स, आई हैड पास्ट ईट, ईट ध्यान रखिएगा ईट, क्योंकि ईट किसके लिए है, मैजिक शॉप के लिए, तो मैजिक शॉप के लिए ना देम आएगा, ना दी जाएगा, ना दिस आएगा, केवल क्या आ सकता है, ईट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा गया, वंस और ट्वाइस ये शॉप विंडो
ऑफ, देखिए एल्यूरिंग मीन्स होता है कि किसी, देखिए अगर कहा गया लिटिल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से फिर से पढ़िए, आई हैड पास्ट इट वंस और ट्वाइस ये शॉप विंडो ऑफ एल्यूरिंग लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ प्रोसेस है तो उसको हम कंटिन्यूस में रखते हैं, ऑफ यहाँ पे चूंकि देखिए एल्यूर्स आ नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस है नहीं, पूरा जो हमारा पैसेज है हमने जहाँ से स्टार्ट किया वो पास्ट में है तो एल्यूर्स आ नहीं सकता, एल्यूर भी प्रेजेंट टेंस का है ये भी नहीं आ सकता, तो आ क्या सकता था, एल्यूड या एल्यूरिंग। अब देखिए एल्यूरिंग मतलब होता है लिटिल ऑब्जेक्ट, मैजिक बाल, मैजिक हैंड्स, वंडरफुल कोन्स, मैजिक डॉल्स एंड ऑल दोज डॉट 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 ऑफ थिंग्स, यानी कि क्या करता है ये, फुसलाता है, यानी कि जिस पे जादू दिखाना, फुसलाना मतलब होता है कि हमारा नज़र बंद करना, यानी एल्यूरिंग होगा यहाँ पे, एल्यूरिंग नज़र बंद कर देता था यानी कर दिया करता था, यानी एल्यूर एक ऐसा तो है नहीं कि ग्लांस पड़ा यानी एक नज़र में आपने देख लिया, एक प्रोसेस देखते हैं मैजिक शॉप पर जाके, यानी कि एल्यूरिंग लिटिल ऑब्जेक्ट्स, मैजिक बॉल्स, मैजिक हैंड्स, वंडरफुल कोन्स, मैजिक डॉल्स एंड ऑल दोज डॉट 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 ऑफ थिंग्स, यानी कि जो मैजिक की दुकान थी, मैजिक शॉप थी, उस पर जब जाते थे तो लिटिल ऑब्जेक्ट्स को पे वो जादू दिखाया करते थे, मैजिक बाल्स पे दिखाया करते थे, नज़र बंद करते थे, मैजिक हैंड्स पे बनाते थे, वंडरफुल कोन्स जो होते थे यानी कि शंकु वगैरह होते थे, मैजिक डॉल्स होती थी एंड ऑल दोज ऑफ डॉट 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 यहाँ पे पढ़ेंगे एंड ऑल दोज ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स, देखिए डिजाइन ऑफ थिंग्स गलत है, शेप ऑफ थिंग्स गलत है, पैटर्न ऑफ थिंग्स गलत है, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स यानी विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है, कई प्रकार की वस्तुएं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स देखते ही पता चल जाना चाहिए, सॉर्ट ऑफ थिंग्स मतलब होता है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन, अब देखिए लेकिन हम मैंने कभी नहीं सोचा था, बट नेवर यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्जन यूज किया गया है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था बट आई हैड नेबर, लेकिन नेबर को अगर शुरू में लगा देंगे तो नेबर हैड आई, ये इन्वर्जन का रूल है, तो कहा गया बट नेबर हैड आई थॉट ऑफ, अगले में पढ़ते हैं, बट नेबर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन शॉर्ट वन डे, एक मिनट हमने ये कौन सा है, एक मिनट अगले में भर, तब तक नहीं सोचा, इसके बाद आना चाहिए जब तक, तो जब तक के लिए क्या आएगा, अनटिल, आपने पढ़ा होगा कि अनटिल का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पे जब तक का सेंस देना होता है, तो बट नेवर हैड आई थॉट ऑफ गोइंग इन अनटिल, कब तक, जब तक वन डे जिप हॉल्ड मी बाई माई फिंगर राइट, राइट आउट गलत है, राइट डाउन गलत है, राइट इन गलत है, राइट अप टू द विंडो, यानी कि जिप ने जब तक हॉल नहीं किया मेरी फिंगर राइट अप टू द विंडो, विंडो की तरफ नहीं हॉल किया तब तक मैं नहीं जाता था अंदर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए कहा गया दिस इज द गर्ल डॉट 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 इज गोइंग टू आईआईटी दिल्ली, अब देखिए यहाँ पे गर्ल के लिए, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो किसके लिए आएगा, गर्ल के लिए, और गर्ल आपको पता है कि ये लिविंग बींग है, तो लिविंग बींग के लिए हु मतलब होता है जिसका, हम कहेंगे ये वही लड़की है जो आईआईटी दिल्ली जा रही है, तो गर्ल चूंकि लिविंग बीइंग है तो इसके लिए अगर नॉन लिविंग होती तो दैट कर सकते थे, लेकिन चूंकि लिविंग है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु, यानी दैट इज द गर्ल हु इज गोइंग टू आईआईटी दिल्ली, यानी कि यहाँ पे दैट इज द गर्ल यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हु, तो आपका करेक्ट हो गया हु, क्योंकि यहाँ पे लिविंग बीइंग है इस वजह से दैट नहीं आएगा, हुम तो आ ही नहीं सकता, विच मतलब होता है जिसका, ये भी नहीं आ सकता, आप सेंस हिंदी निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये देखिए एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम में क्या पूछा गया, लैमेंट मींस क्या होता है, लैमेंट मींस क्या होता है, देखिए लैमेंट मींस होता है बिलाप करना, लैमेंट मींस क्या होता है, बिलाप करना यानी रोना, मौन करना, एम ओ ए एन मौन, वो मौन नहीं, मौन व्रत वाला मौन नहीं, मौन, मौन कराहना कह सकते हैं, मौर्न, ठीक है, ये सारी चीजें, या वेल कह सकते हैं, वेल, मौर्न, मौन, ये सारी बिलाप करना यानी दुखी मना, दुख मनाना यानी दुखी होना, रोना, लैमेंट मींस होता है, ब्लीड मींस क्या होता है, खून निकलना, कहीं से खून निकल रहा है तो कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है, बीमौन मींस क्या होता है, बीमौन मींस भी रोना होता है, लेकिन यहाँ पे सिनो ना पूछ के एंटनी मैंने इसका उल्टा पूछा गया, अपील मींस होता है गुजारिश करना और सेलिब्रेट मींस होता है खुशी मनाना यानी मनाना, तो यहाँ पे रोना यानी दुखी होना और खुशी होने में हम मनाते हैं, कोई चीज़ मनाते हैं खुशी मनाना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लैमेंट का, सेलिब्रेट, तो ये बहुत आसान आसान इडियम्स, वन वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे पेपर जो मैं करवा रहा हूँ ये CPO, CGL, CHSL सबसे उठाए प्रश्न होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, कहा कि वर्ड्स रिटन ऑन अ टर्म स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, यानी मरा अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मकबरे पे जो चीज़ें लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, इपिटाफ। एपिटाफ आपने कई बार पढ़ा होगा, एपिटाफ मतलब होता है जो किसी के मरने के बाद उसके मकबरे पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं, एपिटाफ। ये इतनी बार आ चुका है एसएससी में, मैंने तो कम से कम 500 बार इसको पढ़ा होगा, 500 बार कम से कम, इतनी बार ये मेरे आंखों के सामने गुजरा है, ठीक है। तो एपिटाफ मीन्स क्या होता है, जो किसी व्यक्ति के मकबरे पर लिखी चीज़ होती है एपिटाफ होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए अगला प्रश्न जो है एरर फाइंड करना है। कहा गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर, कहा गया लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी एक होटल का लार्ज सेक्शन जो अंडर कंस्ट्रक्शन था यानी निर्माणाधीन था, कोलैप्स इन न्यू ऑरलीन्स लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे की बात हो गई, यानी कि पास्ट की बात हो गई, और पास्ट में हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए, यानी कि सबसे पहले अगर हमें यहाँ पास्ट दिख गया, पास्ट का समय दिख गया, तो हमें सबसे पहले वर्ब की तरफ भागना है। हम देख रहे हैं कि वर्ब कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पे हमें कोलैप्स मिल गया, कोलैप्स वर्ब है। कोलैप्स किस टेंस में है, आप कहेंगे जी ये प्रेजेंट टेंस में है, कोलैप्स मिल गई, वर्ब किस टेंस में, प्रेजेंट। हमें समय पास्ट का दिया गया, इसको किस में बदलना होगा, पास्ट में, यानी कि एक अगर इसको पढ़ें और अर्थ निकालें तो इसका अर्थ निकलता है कि न्यू ऑरलीन्स में एक मतलब होटल का जो कि निर्माणाधीन था एक बड़ा हिस्सा, एक होटल का एक बड़ा हिस्सा जो कि निर्माणाधीन था गिरता है पिछले सैटरडे को, गिरता है यानी पिछले शनिवार को गिरता है, गिरता है नहीं गिरा, यानी कि क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो गया, यानी आपका यहाँ आना क्या चाहिए, ये लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड इन न्यू ऑरलीन्स लास्ट सैटरडे, यानी गिर गया, ना कि गिरता है, गिर गया, लास्ट सैटरडे की बात हुई इसका मतलब गिर गया, समझ आ गया। तो कौन से पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो अंडरलाइंड सेगमेंट है उसको आपको करेक्ट करना है। अगर राहुल थिंक्स दैट दिस इज कौन सा रेस्टोरेंट, क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट। अब देखिए अगर क्वाइट का यूज किया जाता है उसके बाद आपका नाउन आ रहा है तो क्वाइट आ चीप क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एक एडजेक्टिव आएगा। देखिए क्वाइट एक क्वाइट के बाद तो पहली बात ए आएगा, क्वाइट द नहीं क्वाइट आ एडजेक्टिव के बाद नाउन, यानी कि आपको क्या यूज करना है, ये फ्रेज याद रखना है कि क्वाइट के बाद ए आएगा उसके बाद फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा तब नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, ठीक है। तो आपको क्वाइट ए चीप रेस्टोरेंट, यानी राहुल सोचता है ये सबसे बेकार, यानी एक बेकार रेस्टोरेंट है, यानी कि राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट आ क्वाइट द नहीं क्वाइट आ चीप रेस्टोरेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाइट ये चीप हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए यह है पैरा जंबल। वैसे पैरा जंबल के दो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही लिया है क्योंकि पैरा जंबल बहुत मतलब पढ़ने के बाद ही डेवलप हो गया आदत, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको करवा पाऊँ। कहा गया अब पढ़ना है उसके बाद में इसको एक ऑर्डर में बिठाना है, अभी आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले ए बी सी डी देखें। दे आल्सो बिलीव, वह भी मानते हैं, वह भी मानते हैं, कहने का मतलब आपको तुरंत पता चल गया कि कोई और भी मानता है, कोई जैसे आप कहें कि वह भी गया था, अब कहाँ गया था, अगर जब तक आपने किसी को ये बात नहीं बताई होगी कि मैं गया था और वह भी गया था, तो पहले ये बताना पड़ेगा भी मतलब होता है कि इसके पहले कोई बात हो चुकी है, यानी कि आल्सो मतलब होता है कि इसके पहले कोई बात हो गई, यानी ए तो आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन वाले काट दीजिए। अब देखिए फिर अगले बी पे आते हैं, फाइनली, फाइनली आपको पता चल रहा है कि ये लास्ट वाला वर्ड दिख रहा है, तो यानी कि बी, ये फाइनली अगर बात हो गई तो ये लास्ट में आएगा, यानी बी लास्ट में आना चाहिए, तो बी लास्ट में यहाँ आ रहा है, ये ख़त्म हो गया, बी लास्ट में यहाँ नहीं आ रहा, फाइनली सेकंड ऑप्शन में आ रहा है और आपको दिख रहा है कि बी यहाँ पे आ रहा है और बी में फाइनली आ रहा है, तो बी लास्ट में आएगा, फाइनली शब्द से पता चल रहा है कि ये बाद वाला लेटेस्ट शब्द है, मतलब सॉरी लास्ट शब्द है, यानी कि बी जिसमें नहीं आ रहा है लास्ट में वो खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, दे फर्दर एडवाइस, यानी कि वह फिर सलाह देते हैं, फर्दर मतलब आगे और सलाह देते हैं, आगे सलाह देते हैं इसका मतलब पीछे भी दिया होगा, यानी कि सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी आपका एक ही ऑप्शन बचा डी ए सी बी, तो एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं या पढ़ के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कहा गया, अगर पढ़ें आप तो आपको पता चल गया पहला तो होगा नहीं, फाइनली भी नहीं होगा। देखिए क्या है, मिनिमलिस्ट बिलीव दैट क्लटर काजेज अ लॉट ऑफ स्टेड एंड वेस्ट्स प्रीसियस स्पेस, कहा गया मिनिमलिस्ट
बिलीव करते हैं कि जो क्लटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत सारे जो कहते हैं प्रीसियस यानी कि कीमती चीज़ें हैं उनको बेकार करता है। फिर उसके बाद दे आल्सो बिलीव, जब उन्होंने एक मत अपना दे दिया तो उसके बाद दूसरा मत दे आल्सो बिलीव यानी डी के बाद ए आना चाहिए, फिर आगे आप पढ़ें ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जैसे बताया एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और आप पढ़ के भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए मैंने जैसा कि बताया आपको क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन में कि एक प्रश्न आपको दो प्रश्न ईडियम से, दो वन वर्ड से, पैरा जंबल से और आपका दो सिनो दो एंटो मिलेंगे, तो उसी प्रकार एक प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक वाइस से, कई बार दोनों वाइस से हो जाते हैं और कई बार क्या होता है एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब एक नरेशन और एक वाइस से होता है। तो नरेशन वाला देखिए, कहा गया द प्रीस्ट सेड टू मी यानी पुजारी ने कहा यू हैव कमिटेड ये कार्डिनल सिन। अब देखिए ये सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है यानी कि इसका टेंस बदलेगा। सेट टू का किस में होता है, सेट टू का मतलब होता है, सेट टू को किस में बदलते हैं टोल्ड में, यानी टोल्ड वाला टोल्ड में बदला जाएगा यानी ये होगा नहीं, सॉरी एक मिनट, ये होगा नहीं इज इसमें प्रेजेंट टेंस में, तो ये खत्म हो गया। यानी द प्रीस्ट टोल्ड मी, प्रीस्ट ने मुझे बताया कि मैं, अगर आप पहले हिंदी में इसको ट्रांसलेट करिए, प्रीस्ट ने मुझे बताया कि मैंने एक बहुत जघन्य अपराध कर दिया है। यानी द प्रीस्ट टोल्ड मी दैट, किसने, यू तो यूज नहीं होगा, किसने, मी जब मुझको बताया तो यू किसके किसके लिए बोला गया, मेरे लिए, यानी कि यहाँ पे अगर नरेशन में चेंज करेंगे तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से। तो यानी द प्रीस्ट टोल्ड मी दैट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दैट आएगा, दैट आई, और चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको किस में बदलेंगे, चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसका भी टेंस बदल जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह पे क्या आ जाएगा हैड, यानी आई हैड कमिटेड ये कार्डिनल सिन। अब ऑप्शन देखिए, द प्रीस्ट टोल्ड मी दैट आई हैड कमिटेड ये कार्डिनल सिन, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो फिर इसमें चेंज आएगा, अदरवाइज अगर ये पास्ट में नहीं है यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इसमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट में था तो यहाँ पे प्रेजेंट था, प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, आपको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच के पहले आपको क्या देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आएगा, अदरवाइज टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे पास्ट में था तो यानी कि यहाँ पे टेंस में चेंज आएगा, और यहाँ पे अगर प्रेजेंट था तो प्रेजेंट आपको पता है किस में बदलता है, प्रेजेंट किस में बदलता है पास्ट में, यानी हैव की जगह पे हैड हो जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा जो उस पर आते हैं, उसमें क्या कहा गया है ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि इसको वाइस को चेंज करना है, कहा गया टू चिल्ड्रन, अब देखिए एक्टिव अब में है तो पैसिव में बदलना है, पैसिव में है तो एक्टिव में बदलना है। कहा गया टू चिल्ड्रेन वर शॉट डेड बाय ए साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल, यानी कि दो बच्चों को गोली मार दी गई, किसको मारी गई, टू चिल्ड्रंस यानी टू चिल्ड्रेन, ये ऑब्जेक्ट रहा होगा तभी पैसिव में, चूंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर बी थ्री आता है यानी कि ये पैसिव में, वर शॉट, वर कैसा है हेल्पिंग वर्ब और शॉट सूट का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये कैसा टेंस हो गया, वर शॉट यानी कि ये पैसिव हो गया, सॉरी वाइस कैसी हो गई, पैसिव वाइस हो गई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब थ्री आता है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये पैसिव वाइस हो गया। अब देखिए किसे गोली मारी गई, टू चिल्ड्रेन यानी कि ये सब्जेक्ट रहा होगा, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट रहा होगा यानी कि, और वर शॉट डेड बाय ए साइकोपैथ, किसके द्वारा मारी गई, ये साइकोपैथ यानी कि एक साइकोपैथ के द्वारा मारी गई, साइकोपैथ एक क्रिमिनल टाइप का होता है, तो इसको अगर हम एक्टिव में बदलेंगे तो आपसे कहा गया दो बच्चों को एक साइकोपैथ के द्वारा गोली मारी गई, तो यानी कि अगर हम इसको एक्टिव में बदलेंगे तो एक साइकोपैथ ने दो बच्चों को गोली मार दी, कहाँ पे, कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल में, यानी कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल लास्ट में आएगा, तो किसने गोली मारी, ये साइकोपैथ यानी ये साइकोपैथ, चूंकि वर आया है यानी कि जो भी रहा होगा वो पास्ट में रहा होगा और वर के बाद थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट रहा होगा, पास्ट इंडिफिनिट रहा होगा तभी वर आया, और उसके बाद आपको पता है पैसिव वाइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, तो यहाँ पे आ गया ये साइकोपैथ शॉट डेड टू चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। तो आपको ये समझना है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो अगर उसका पैसिव वाइस बनाएंगे तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज एवर जो भी यूज करना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सेम देखिए ये साइकोपैथ शॉट यानी कि हमें यहाँ पता चला कि कैसा है
पास्ट इंडेफिनिट है, शॉर्ट यानी कि वर आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले देखिए टू चिल्ड्रेन आ रहे हैं, टू चिल्ड्रेन आ गए यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, टू चिल्ड्रेन कैसा है प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यानी कि वर आएगा, वर फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सूट का थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट होता है यानी कि द टू चिल्ड्रेन वर शॉट, द नहीं आएगा, टू चिल्ड्रेन वर शॉट डेड यानी कि मार दिए गए, गोली मार दी गई बाई किसके द्वारा, ये साइकोपैथ यानी बाई ये साइकोपैथ आएगा, ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल यानी किसके दौरान, कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए रही हेल्पफुल, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, और शाम को 8 से 9 के बीच में फिर मिलते हैं आपको इसी तरह एक मैथ्स की वीडियो के साथ जिसमें 25 प्रश्न हम करेंगे, और ये आपके लिए पहले 25 प्रश्न की पहली सीरीज थी, तो आप लोग पूरा प्यार दिखाएं, शेयर करें, लाइक करें, और मतलब जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, और हम प्रीवियस ईयर के सारे ओकैब इसी सीरीज में कवर करने वाले हैं, ओकैब वन वर्ड एरर वगैरह सारी चीज़ें, चूँकि SSC जो है वो द बेस्ट है, द बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसी को आपको आपका एग्जाम लेना है, तो मैं फर्जी चीज़ें क्यों करूँगा, टेस्ट सीरीज वाले कब से इतना जानकार हो गए, तो मैं SSC के ही प्रश्नों को आपको करवाऊंगा। तो अभी जैसे CPO के प्रश्न थे, ऊपर वाले CPO के प्रश्न थे, CPO का पेपर कर लेंगे, CGL का पेपर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर में मेंस के पेपर कुछ प्रश्न इसमें मेंस CGL मेंस से उठाए गए थे, तो ऐसे करते हुए हम सब कुछ कवर भी कर लेंगे, और हमें करने के ग्रामर के रूल भी ऐसे रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय।